नमस्कार, स्वागत है आपका उत्तराखंड के बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ यशी शुक्ला। रुक करेंगे खबरों का, लेकिन उससे पहले नजर डालेंगे सुर्खियों पर। सामरिक दृष्टि से तैयार होंगे उत्तराखंड के दोनों एयरपोर्ट, अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप होगा तैयार। सीएम रावत ने किया सामाजिक उद्यमियों से संवाद, कहा स्थानीय संसाधनों से आत्मनिर्भर बनने से वे मिलेगी मदद। वीकेंड पर पहाड़ों की रानी मसूरी और ऋषिकेश पर्यटकों से गुजरात, नैनीताल में फिर से जुटी सैलानी की भीड़। नैनीताल में 1 नवंबर से खुलेंगे विश्वविद्यालय, यूजीसी दिशा निर्देशों का होगा पालन, नए व्यावसायिक पाठ्यक्रम होंगे प्रारंभ। प्रसिद्ध हेमकुंड साहिब के कपाट शीतकाल के लिए बंद, इस बार से 36 दिन चली यात्रा। चमोली जिले में स्थित सिखों का प्रसिद्ध तीर्थ स्थान हेमकुंड साहिब। आईपीएल में सट्टा लगाने वाले गिरोह का खुलासा, देहरादून में 3 आरोपी गिरफ्तार, 1 फरार, 25 लाख से अधिक नकदी बरामद। आप देख रहे हैं की न्यूज, खबरों का सारथी। इस साल केदारनाथ में सीजन में पहली बार केदारनाथ मंदिर के आगे दर्शन करने के लिए यात्रियों की लंबी कतारें लगी। ये लाइन मंदिर के मुख्य गेट से लेकर पैदल मार्ग तक लगी। करीब 300 मीटर तक लंबी लाइन में लगकर भक्त भगवान भोले के दर्शनों का इंतजार कर रहे हैं। इससे पूर्व इस बार यात्रा सीजन में यात्रियों की ऐसी लंबी लाइनें केदारनाथ धाम में नहीं देखी गई। हेली सेवाओं के शुरू होने से यात्रियों में भारी इजाफा देखने को मिला। देखिए रिपोर्ट। केदारनाथ के दर्शनों के लिए मंदिर परिसर में लगी लाइन। केदारनाथ धाम में उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़। केदारनाथ मंदिर परिसर में यात्रियों की लगी लंबी लाइन। हेली सेवाएं शुरू होने से यात्रियों की संख्या में इजाफा। केदारनाथ मंदिर परिसर भक्तों से खचाखच भरा हुआ है। इसके अलावा मंदिर से आगे 300 मीटर तक भक्तों की लंबी लाइन लगी हुई है। भक्त भीषण ठंड में लाइन में खड़े होकर बाबा केदार के दर्शनों का इंतजार कर रहे हैं। बाबा केदार के मंदिर परिसर में लगी लाइन और यात्रियों की भीड़ देखकर एहसास ही नहीं हो रहा कि कोरोना काल चल रहा है। मंदिर के भव्य दृश्य को देखकर लग रहा है कि मई जून वाली यात्रा चल रही है, जब प्रत्येक दिन 10 से 12 हजार यात्री बाबा केदार के दर्शनों के लिए पहुंचते थे। और आज से श्री केदारनाथ धाम के लिए पहली सेवाएं शुरू हो चुकी हैं। हवाई यात्राएं जितने भी श्रद्धालुगण हैं उनको काफ़ी मतलब जितने बुजुर्ग लोग हैं काफ़ी सहायता मिल रही है हेली शुरू होने से, और यात्रियों में भी काफ़ी इजाफा हो रहा है। आप देख सकते हैं चारों तरफ काफ़ी भीड़ है, और मैं सभी यात्रीगण जो आना चाहते हैं केदारनाथ धाम उन सबका स्वागत करता हूँ। काफ़ी अच्छी सुविधाएँ अब हो चुकी हैं। पूर्व में यहाँ पर कम से कम 1000 या 1200 लोगों के रहने की व्यवस्था थी, लेकिन इसमें लगभग 5000 लोगों के रहने की व्यवस्था इसमें हो चुकी है। तो पूरे भारतवर्ष से जितने भी श्रद्धालुगण श्री केदारनाथ जी के दर्शन करना चाहते हैं उन सबका स्वागत करता हूँ। धाम के लिए अब हेली सेवाएं भी शुरू होने के बाद यात्रियों की संख्या में अत्यधिक इजाफा हो रहा है। यात्री अब पैदल मार्ग के अलावा हेली सेवा से भी बाबा केदार के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं, जिससे उनमें खुशी का माहौल देखा जा रहा है। बता दें, हेली सेवा शुरू होने के पहले दिन 8 हेली कंपनियों के 176 शटल के जरिए 890 यात्री केदारनाथ पहुंचे, जिसमें 727 तीर्थयात्री धाम से वापस लौटे, जबकि 24 तीर्थयात्री धाम में रुके। इसके अलावा 1116 तीर्थयात्री पैदल यात्रा व घोड़े खच्चरों से धाम पहुंचे। हम लोग परसों पहुंचे थे फाटा, वहाँ पे कल हम लोगों की टीम हुई, पहले तो हेलीकॉप्टर की सर्विसेज ही नहीं चल रही थी। आज से शुरू है, आज पहला दिन था और शायद पहली या दूसरे हेलीकॉप्टर की सर्विस में हम लोग यहाँ पहुँचे हैं। बहुत अच्छा रहा,
टिकट बुक करवाने में एक्चुअली अब थोड़ा गवर्नमेंट के पास मैं चला गया तो थोड़ी सी दिक्कत हुई, बट ठीक है। सरकार ने जो है पर्यटन के लिए ओपन कर दिया गया है, परिणाम स्वरूप बहुत अच्छे यात्री हमारे पास आने लग गए हैं। केदार घाटी जो कि काफी कोविड के कारण सुसुप्त पड़ी हुई थी, उसमें पूरी घाटी में चहल पहल हो गई है और यात्री भरपूर मात्रा में यात्री आने लग गए। और जो हमारे होटेलियर्स हैं, छोटे छोटे दुकानदार हैं, ढाबा वाले हैं, उनके चेहरों पे मुस्कुराहट देख के बड़ा अच्छा महसूस हुआ। केदार दर्शन करने आए, सोचा था पहले रोड से आएंगे, सफर भी कुछ खास अच्छा रहा नहीं, मौसम भी खराब था, फिर बीच में पता चला कि 9 तारीख से हेलीपैड की सर्विस शुरू हो रही है और जब हम हेलीपैड का यूज किया तो बहुत अच्छा रहा, सर्विस भी बहुत अच्छी, जो सफर 1 घंटे का था वो 9 मिनट का रहा और बाकी मैं बहुत खुश हूँ। यात्रा का आंकड़ा अब तक 30,183 पहुँच गया है। आपको बता दें अब भक्त पैदल मार्ग के अलावा हवाई सेवा से भी बाबा केदार के दर्शनों के लिए जा सकते हैं। कोविड-19 टेस्ट की अनिवार्यता खत्म होने के बाद लगातार केदारनाथ आने वाले यात्रियों की संख्या में वृद्धि हो रही है। रुद्रप्रयाग से के न्यूज के लिए रोहित डिमरी की रिपोर्ट। उच्च हिमालय क्षेत्रों में 15 सितम्बर तक खिलने वाला ब्रह्मकमल इस बार अक्टूबर में भी अपनी खुशबू बिखेर रहा है। 4,750 मीटर की ऊंचाई पर स्थित घी विनायक नंदी कुंज पांडव सेरा में अभी भी हजारों की संख्या में ब्रह्मकमल खिले हैं। कोरोना संक्रमण के लिए बनी गाइडलाइन ने भी ब्रह्मकमल के लिए संजीवनी का काम किया है। देखिए रिपोर्ट। उत्तराखंड की वादियों में खिले ब्रह्मकमल, अक्टूबर में भी अपनी खुशबू बिखेर रहा ब्रह्मकमल। जमीन पर 4,000 मीटर की ऊंचाई पर खिले ब्रह्मकमल। शिव पूजन के साथ ही नंदा देवी पूजा में खास महत्व। कोरोना संक्रमण की गाइडलाइन बनी संजीवनी। उच्च हिमालय क्षेत्रों में 15 सितंबर तक खिलने वाला ब्रह्मकमल इस बार अक्टूबर में भी अपनी खुशबू बिखेर रहा है। 4,750 मीटर की ऊंचाई पर स्थित घी विनायक नंदी कुंड पांडव सेरा में अभी भी हजारों की संख्या में ब्रह्मकमल खिले हैं। कोरोना संक्रमण के लिए बनी गाइडलाइन ने भी ब्रह्मकमल के लिए संजीवनी का काम किया है, जो इस दुर्लभ प्रजाति के लिए शुभ संकेत है। इस बार बुग्यालों में मानवीय आवाजाही न होने से ब्रह्मकमल का दोहन नहीं हो पाया। बता दें कि उत्तराखंड के चमोली जिले में बर्फबारी के साथ ब्रह्मकमल भी खिलना शुरू हो गए हैं। जमीन पर खिलने वाले इस फूल की धार्मिक और औषधि विशेषता है। प्राचीन मान्यता के अनुसार ब्रह्मकमल को इसका नाम ब्रह्मदेव के नाम पर मिला है। इसका वैज्ञानिक नाम साउस्वीरिया ओब्लावलाचा है। ब्रह्मकमल एस्टेरेसी कुल का पौधा है। सामान्य कमल की तरह ये पानी में नहीं उगता बल्कि जमीन पर 4,000 मीटर से अधिक की ऊंचाई पर खिलता है। हालांकि तीर्थयात्रियों के अधिक दोहन के चलते यह लुप्त होने के कगार पर पहुंच गया है। अब इसकी संख्या में लगभग 50% से भी ज्यादा की कमी आ चुकी है। अल्सर और कैंसर रोग के उपचार में इसकी जड़ों से प्राप्त होने वाले तेल का उपयोग होने से यह औषधीय पौधा होने के साथ ही विशेष धार्मिक महत्व भी रखता है। शिव पूजन के साथ ही नंदा देवी पूजा में भी ब्रह्मकमल विशेष रूप से चढ़ाया जाता है। चमोली से के न्यूज के लिए अनिल राणा की रिपोर्ट। खबर देहरादून से है, जहां पर आईपीएल मैचों में ऑनलाइन सट्टा लगाने वाले गिरोह का दून पुलिस ने भंडाफोड़ किया है। मामले में पुलिस ने 3 सट्टेबाजों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपियों के पास से 25,50,000 से अधिक की नकदी को बरामद किया है। डीआईजी देहरादून अरुण मोहन जोशी ने बताया कि गिरोह का मुख्य आरोपी अजय जायसवाल, जो कि पहले भी सट्टा खिलाने के आरोप में जेल की हवा खा चुका है, अपने कुछ साथियों के साथ अपने घर में ऑनलाइन सट्टा खिला रहा था और ये सूचना पुलिस को मिली, जिसके बाद पुलिस टीम ने खुड़बुड़ा मोहल्ले में एक घर पर छापा मारा जहां पर लोग सट्टा लगा रहे थे। पुलिस को देखकर एक आरोपी भाग गया जबकि 3 पुलिस को गिरफ्तार कर लिया है। फिलहाल पुलिस एक फरार आरोपी की तलाश में जुटी हुई है। पूरा यकीन था हमको कि इन्फॉर्मेशन बिल्कुल सही है, गलत होने की कोई गुंजाइश नहीं है इसकी। तो जो हमारी एसपी सिटी है वो पूरा ऑपरेशन कोऑर्डिनेट कर रही थी, उसमें पिछले 3-4 दिन से हम लोग लगे हुए थे, इनको फॉलो कर रहे थे और इसमें फाइनली जो है 3 लोगों का अरेस्टिंग हुआ है और 25-20 लाख के आसपास इनसे रिकवर हुए हैं और कुछ रजिस्टर हैं, कुछ मोबाइल्स हैं जिनके माध्यम से ये सट्टे को कोऑर्डिनेट कर रहे थे। और अभी इसमें हम लोग ठीक से एग्जामिन कर रहे हैं कि और कौन कौन लोग हैं, कितना बड़ा नेटवर्क है। इसमें भी हमारी कुछ टीम अभी और भी काम कर रही है, तो इन्वेस्टिगेशन में जो भी फाइंडिंग्स आगे रहेंगे कम्युनिकेट करेंगे आपको। खबर रुड़की से है, जहां पर सिविल लाइन कोतवाली में सीओ रुड़की चंदन सिंह बिष्ट ने 3 बड़े अलग अटे किए हैं।
पहले खुलासे में रामपुर से मोबाइल चोर गैंग का पर्दाफाश करते हुए आरोपियों के पास से अलग अलग कंपनियों के 18 मोबाइल बरामद किए गए और 2200 रुपए की नकदी बरामद की गई, जबकि दूसरा खुलासा 251 रुपए में फोन का झांसा देकर लाखों की ठगी करने वाले आरोपी को 3.5 साल बाद गिरफ्तार किया गया। तीसरे खुलासे में मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने गश्त के दौरान दो आरोपियों को 200 ग्राम स्मैक के साथ गिरफ्तार किया। आरोपी बरेली से स्मैक लाकर बेचा करते थे। नंबर एक तो ये है कि रुड़की कोतवाली क्षेत्र में 2017 में एक धोखाधड़ी का मुकदमा पंजीकृत हुआ था, जिसमें 5-6 लोग अभियुक्त बनाए गए थे। वो धोखाधड़ी ये थी कि एक कंपनी द्वारा ये कहकर कि 251 रुपए के मोबाइल से हम आपको प्रोवाइड कराएंगे और वो मोबाइल बड़े सस्ते देखकर किसी व्यक्ति द्वारा यहाँ रुड़की में अशोक कुमार व्यक्ति द्वारा पूरा बुक करा लिए गए, काफी पैसा उनको दे दिया गया, लेकिन बाद में वो कंपनी पूरी फ्रॉड निकली जिस पर अभियोग तत्काल पंजीकृत हुआ था, लेकिन उसमें से 4-5 लोग गिरफ्तार करे जेल में है, अभी उनकी जमानत भी नहीं हुई है। और इसी बीच आपको हरिद्वार से बड़ी खबर बता दें, सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत पहुंचे राजा जी पार्क की चीला रेंज। हरिद्वार से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, शनिवार रात परिवार के साथ पहुंचे थे चीला के जीएमवीएन। रात्रि विश्राम के बाद सुबह चीला सफारी और परिवार के साथ महकमे के पालतू हाथियों को खिलाए फल। बड़ी खबर हरिद्वार से, सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत पहुंचे राजा जी पार्क के चीला रेंज। बता दें कि शनिवार रात परिवार के साथ पहुंचे थे चीला के जीएमवीएन गेस्ट हाउस। रात्रि विश्राम के बाद सुबह चीला सफारी ट्रैक का भी निरीक्षण किया। परिवार के साथ महकमे के पालतू हाथियों को खिलाए फल। बड़ी खबर आपको हरिद्वार से बता रहे हैं, सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत पहुंचे राजा जी पार्क के चीला रेंज। पुराने बिल्डिंग में चल रहे डोईवाला तहसील व सिविल कोर्ट के कार्य से कोर्ट व तहसील के कर्मचारियों को कई प्रकार की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, जिस वजह से तहसील और कोर्ट की दैनिक प्रक्रिया भी बाधित हो रही है और लोगों के कार्य भी धीमी गति से हो पा रहे हैं। वहीं क्षेत्र में तहसील भवन की आवश्यकता को देखते हुए मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने तहसील भवन निर्माण कार्य को तेजी से कराने के निर्देश दिए हैं और कार्य को 11 महीने में पूरा करने को कहा है, जिसके चलते राज्य मंत्री करण वोरा ने मौके पर पहुंचकर निर्माण कार्य का जायजा लिया और कार्य को तीव्र गति से कराने के निर्देश दिए। हालांकि मंत्री ने निर्माण कार्य की धीमी गति को देखते हुए निर्माण में लगी संस्था के कर्मचारियों को फटकार भी लगाई। कुमाऊं विश्वविद्यालय प्रशासन ने 1 नवंबर से सभी कॉलेजों को खोलने का निर्णय लिया है। कुमाऊं विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर एनके जोशी ने बताया कि यूजीसी के द्वारा जारी किए गए दिशा निर्देशों को ध्यान में रखते हुए कुमाऊं के सभी कॉलेज 1 नवंबर से सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन का पालन करते हुए खोले जाएंगे। वहीं नैनीताल के कृष्णापुर में 1 नवंबर से नए व्यावसायिक पाठ्यक्रम प्रारंभ होने जा रहे हैं। वहां कृषि, एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, हॉर्टी कल्चर जैसे व्यवसाय पाठ्यक्रम पढ़ाया जाएगा, ताकि विद्यार्थियों को व्यावसायिक पाठ्यक्रमों का भी ज्ञान हो सके। एक नवंबर से कॉलेज खुलने के लिए हम लोग पूरी तरह से तैयार हैं। अभी हमने अपनी परीक्षाएं करीब करीब समाप्ति की ओर आ रही हैं। एक बहुत बड़ा चैलेंज कुमाऊं विश्वविद्यालय के ऊपर था कि इतने विद्यार्थियों का की परीक्षा कराना, और हमने पूरे कोविड की गाइडलाइंस को पूरा करते हुए वो पूरी परीक्षाएं हम करा रहे हैं। तो समाप्ति की ओर हमारी परीक्षा है। इसी तरह से हमारा जो 1 नवंबर से हम अपना नया सेशन स्टार्ट कर रहे हैं और उसके लिए हम पूर्ण तरह से तैयार हैं, और जिस तरह से यूजीसी गाइडलाइंस है कि 1 नवंबर से नया सेशन स्टार्ट किया जाए, हम उसको उसकी पूरी तैयारी हम लोग कर रहे हैं।
खबर सितारगंज से है, जहां लंबे समय से गंभीर रूप से बीमार हालत में आंसू बहाते घूम रहे लावारिस घोड़े बादल की नगरपालिका चेयरमैन हरीश दुबे ने सुध ली। बता दें कि बादल का डॉक्टरों द्वारा नगरपालिका में उपचार किया जा रहा है, वहीं अब जल्द ही बादल के स्वस्थ होने की खबर है। आपको बता दें कि सड़कों पर घूमते कैंसर से पीड़ित लावारिस घोड़े बादल की हालत नाजुक बनी हुई है, जिसका संज्ञान लेते हुए नगरपालिका चेयरमैन हरीश दुबे व विभाग द्वारा बादल के उपचार की जिम्मेदारी ली गई और डॉक्टरों को बुलाकर नगरपालिका परिसर में ही बादल का उपचार शुरू करा दिया गया। नगरपालिका चेयरमैन हरीश दुबे ने बताया कि स्थानीय निवासियों द्वारा नगरपालिका व उपजिलाधिकारी कार्यालय में शिकायत भी की गई थी। इस घोड़े को का ये नाम बादल भी नगरपालिका द्वारा ही दिया गया। नीचे लिंग में जो है कि कैंसर हो गया था और इसको लेकर ये बाजार में घूमता रहता था। शिकायतें भी काफ़ी आई, एसडीएम महोदय के यहाँ भी शिकायत गई है, जिसको लेकर नगरपालिका प्रशासन गंभीर हुआ और हमारे जो पर्यावरण मित्र थे, सफाई कर्मी थे, कल उनके द्वारा इसको पकड़वाया गया। आज आप देख रहे होंगे कि डॉक्टरों की टीम पूरी तरीके से जो है कि इसको ठीक करने में लगी हुई है। उपजिलाधिकारी लक्ष्मण पूरन सिंह राणा ने गठित टीम के साथ अवैध खनन के खिलाफ बाणगंगा रायसी गंदाशपुर नीरधारा में छापेमारी करते हुए बड़ी कार्रवाई की है। तहसील प्रशासन की कार्रवाई से खनन माफियाओं में हड़कंप मच गया है। छापेमारी में 6 वाहनों को तहसील आवास पर लाकर सीज किया गया। नहीं देखिए, इलीगल माइनिंग को लेके क्लियर मैसेज है कि सब रीजन में कहीं भी इलीगल माइनिंग को बिल्कुल भी टॉलरेट नहीं किया जाएगा। ये डीएम साहब के भी डायरेक्शन है, उसके लिए रूटीन में तहसील और पुलिस की टीमें भी बनाई गई है नाइट ड्यूटी के लिए। और कल मेरे द्वारा खुद आकस्मिक रूप में स्टाफ के साथ निरीक्षण किया गया था। नैनीताल बैंक कर्मचारी संघ और बैंक शेयर होल्डरों ने कर्मचारियों के साथ हो रहे उत्पीड़न को लेकर बैठक की। कर्मचारी संघ शारदा संघ में बैठक कर कर्मचारियों के हितों की रक्षा के लिए रणनीति तय की गई। कर्मचारी संघ ने कहा कि मृतक आश्रितों को नौकरियां देने के साथ ही कंप्यूटर भत्ता और दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों का नियमितीकरण की जाए। बैठक में निर्णय लिया गया कि अगर जल्द ही बैंक प्रशासन कर्मचारियों की मांगों पर विचार नहीं किया गया तो समस्त बैंक कर्मी हड़ताल करेंगे। मुख्य मांगे हमारी, जो हमारे अंशकालिक सफाई कर्मी हैं, हम चाहते हैं कि उनको पूर्णकालिक उसमें नियमित किया जाए, और जो हमारे दैनिक वेतन भोगी हैं 10-10, 15-15 साल से, उनको नियमित किया जाए, और जो हमारे नवनियुक्त जो हमारे कर्मचारी जिनकी नियुक्ति अभी हुई है, उनका जो एक कंप्यूटर अलाउंस होता है जो हम लोगों ने 85 में एग्रीमेंट में हमने उनको दिलाया था, तो वो मैनेजमेंट द्वारा कारण उसको वापस ले लिया गया। तो ये हमारी कुछ मांगे हैं जिनको लेकर के हम लोग काफी समय से आंदोलन कर रहे हैं। पीजी कॉलेज रानीखेत में लंबे समस्याओं को लेकर छात्र संघ ने अनशन शुरू किया था। छात्र छात्राओं का कहना था कि कॉलेज में समस्याओं का अंबार लगा हुआ है, शासन प्रशासन की तरफ से हर बार झूठे आश्वासन दिए जाते हैं। उच्च शिक्षा राज्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत के रानीखेत रक्तास्त्री आने पर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने उन्हें मुख्य सड़क पर ही घेर लिया। उनके सामने अपनी मांगे रखी, जिस पर राज्य मंत्री ने उनकी मांगों को मानकर उन्हें देहरादून आने को कहा। राज्य मंत्री की मांग पूरी किए जाने पर छात्र संगठन ने अनशन को खत्म किया। दे रहे हैं, बिल्डिंग दे रहे हैं, हॉस्टल दे रहे हैं और ई ग्रंथालय हम सभी कॉलेजों को दे रहे हैं। हमारे मुख्यमंत्री जी हर कॉलेज में 4G कनेक्टिविटी दे रहे हैं और इसका उद्घाटन इसी अक्टूबर के महीने में हम लोग करने वाले हैं। तो छात्रों को जो जो सुविधाएं चाहिए वो हमारी सरकार पूरी कर रही है, पैसे की कोई दिक्कत नहीं है। रुद्रप्रयाग में नमामि गंगे योजना के अंतर्गत अलकनंदा और मंदाकिनी नदी के किनारे बनाए गए घाट के हाल बदहाल हैं। बरसात के बाद से अधिकांश घाट मलबे और रेत के ढेर में तब्दील हो गए हैं। रुद्रप्रयाग नगरपालिका के पास हर साल इन्हीं घाटों के लिए धनराशि नहीं मिलती है,
ऐसे में पालिका ने शासन से 60 लाख की मांग की है। नगर पालिका की ओर सीमा रावत का कहना है कि घाटों की सफाई के लिए शासन को एस्टिमेट बनाकर भेजा गया है, अगर शासन से धनराशि मिलती है तो मलबे को साफ किया जाएगा। डोईवाला चीनी मिल के पेराई सत्र को शुरू कराने के लिए शुगर मिल प्रशासन मिल की मरम्मत के काम में जुटा हुआ है। किसानों की मांग को देखते हुए मिल को नवंबर माह के अंत तक चलाने की कोशिश की जा रही है और दिवाली के बाद शुभ मुहूर्त में मिल का पेराई सत्र शुरू करा दिया जाएगा। शुगर मिल के चीफ केमिस्ट ओम सिंह नेगी ने बताया कि मिल में इन दिनों मरम्मत का काम युद्ध स्तर पर चल रहा है और मिल के सभी खराब हो चुके पार्ट्स को बदलने की कार्रवाई चल रही है। उत्तराखंड में अक्टूबर से दिसंबर तक के महत्वपूर्ण त्योहारों के लिए प्रदेश सरकार ने मंजूरी दे दी है। शुक्रवार को शासन ने इसकी एसओपी जारी कर दी। 200 लोगों की सीमा जारी रखी गई है। क्या कुछ है प्रमुख बिंदु आपको दिखाते हैं। कंटेनमेंट जोन में कोई जुलूस धार्मिक समाज समारोह को अनुमति नहीं होगी। इवेंट मैनेजरों स्टाफ गंभीर बीमारी से ग्रसित 65 साल से अधिक उम्र के व्यक्ति गर्भवती महिला 10 साल से कम उम्र के बच्चों को घर में ही रहने की दी गई है सलाह। प्रशासन बनाएगा साइट प्लान, भीड़ प्रबंधन भी करेगा, सरकार की गाइडलाइन का पालन करना होगा। अधिक भीड़ वाले पर्व त्योहार खास धार्मिक पर्व आदि के लिए सामाजिक दूरी के नियम को ध्यान में रखते हुए भीड़ प्रबंधन करना होगा। अनलॉक 5 में अधिकतम 200 लोगों को अनुमति दी गई थी, इसे जारी रखा गया है। सामाजिक दूरी का पालन करते हुए लंबी रैलियों के लिए एम्बुलेंस की व्यवस्था करनी होगी। अधिक दिन तक चलने वाले कार्यक्रम जैसे रामलीला, पूजा अनुष्ठान, मेले, प्रदर्शनियों आदि में भी सामाजिक दूरी के नियम का पालन करना होगा। सशर्त और सीमित प्रवेश पर विचार किया जा सकता है। थर्मल स्कैनिंग, सैनिटाइजेशन आदि नियमों का पालन कराने के लिए स्वयं सेवक तैनात किए जाएंगे। नाटक के मंचन के लिए सिनेमा और थिएटर के लिए जारी गाइडलाइन का पालन किया जाएगा। किसी भी कार्यक्रम सामाजिक समारोह के लिए पहले स्थान चिन्हित किया जाएगा। सुझाव दिया गया है कि सामाजिक दूरी, मास्क आदि के नियम का पालन कराने के लिए क्लोज सर्किट कैमरों से निगरानी की व्यवस्था की जा सकती है। रैलियों, धार्मिक जुलूसों के लिए पहले से ही रूट प्लान शामिल होने वाले लोगों की संख्या, प्रतिमा विसर्जन आदि की साइट आदि तय करनी होगी। रामलीला, दुर्गा पूजा, दशहरा सहित अन्य आयोजनों के लिए कोरोना को देखते हुए पहले से ही तैयारी करनी होगी। सारे संबंधित पक्षों से बात कर विस्तृत योजना बनानी होगी। सामाजिक दूरी का पालन करने के लिए मार्किंग की जाएगी, पर्याप्त जगह लेनी होगी। आयोजनकर्ताओं की होगी जिम्मेदारी, आयोजन स्थल को बार बार सैनिटाइज करने के लिए, सामाजिक दूरी को बनाए रखने के लिए स्टाफ के लिए मास्क आदि की व्यवस्था आयोजकों को करनी होगी। आयोजकों को पर्याप्त संख्या में टिकट काउंटर की व्यवस्था करनी होगी, जहां वो कॉन्टैक्ट
बयान किया जाएगा। कोरोना संक्रमण से रोकथाम के उपाय बताने वाले पोस्टर बैनर आदि लगाए जाएंगे। आयोजन स्थल पर ऐसा कमरा या स्थल चिन्हित किया जाएगा जहां किसी लक्षण वाले व्यक्ति को एकांतवास में रखा जा सके। आयोजन स्थल के लिए ये होंगे नियम। पर्याप्त संख्या में प्रवेश और निकासी की व्यवस्था होगी। वेंटिलेशन की पर्याप्त व्यवस्था होनी चाहिए। फेस कवर या मास्क होने पर ही प्रवेश मिलेगा। सामाजिक दूरी का पालन करना जरूरी होगा। धार्मिक स्थलों में प्रवेश से पहले हर परिवार के लिए अलग से जूते चप्पलों का स्थान निर्धारित होगा। लोग जूते चप्पल आदि अपने वाहन में भी उतार सकते हैं। सामाजिक दूरी या दो गज की दूरी का पालन करते हुए सिटिंग प्लान बनाया जाएगा। दुकान खोखो आदि को भी सामाजिक दूरी के नियम का पालन करना होगा। धार्मिक स्थलों में प्रतिमा पवित्र किताब आदि को छूने की मनाही। जहां तक संभव हो सके रिकॉर्ड किए गए गाने ही सुनाए जाएंगे। समूह गान आदि से बचा जाएगा। सामुदायिक किचन लंगर आदि में भी सामाजिक दूरी का पालन करना होगा। खाना बनाते परोसते समय संक्रमण के प्रति अधिकतम सावधानी का पालन करना होगा। एयर कंडीशन 24 से 30 डिग्री के बीच रहेगा। उत्तराखंड के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए के न्यूज इंडिया। नमस्कार। देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं शुद्ध प्लस पान मसाला। एक दबंग शराब व्यापारी का बेटा मुरादाबाद में फर्जीवाड़े का मास्टरमाइंड, मल्टी स्टोरी टाउनशिप और एमडीए की मिलीभगत, दो रास्तों से लूट की बड़ी साजिश, ये न्यूज पर होगा एक्सक्लूसिव खुलासा। देखिए शाम 5 बजे। जब आपकी सोच को अंधेरा घेर लेता है और सिस्टम भी मुंह फेर लेता है, जब वादों की परतें खुलने लगती हैं और हारी उम्मीदों का ऊंचा ढेर लगता है, जब सड़क पर एड़ी की रगड़ देखकर अब तक जो भी हुआ सब बेअसर लगता है, तब चिंतन से डगर होगी आसान, मंथन से निकलेगा समाधान। मंथन। कोरोना संकट काल में के न्यूज इंडिया की देशवासियों से अपील है कि हम जाति धर्म को भूलकर कोरोना को हराने में एक साथ खड़े हों, जरूरतमंदों की मदद करें, कोरोना के खिलाफ जंग में हम अपना योगदान दें। हम सब मिलकर लड़ेंगे और मिलकर जीतेंगे। एक दबंग शराब व्यापारी का बेटा मुरादाबाद में फर्जीवाड़े का मास्टरमाइंड, मल्टी स्टोरी टाउनशिप और एमडीए की मिलीभगत, दो रास्तों से लूट की बड़ी साजिश, ये न्यूज पर होगा एक्सक्लूसिव खुलासा। देखिए शाम 5 बजे।